तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप के एक नए अपडेट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्सअप के एक नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट कर दिया गया है। ये वाला फीचर बहुत ही काम का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, व्हाट्सअप ने एक नया फीचर लॉन्च किया था डिसअपेयरिंग मैसेज करके, जिसके अंदर 24 आवर्स, 1 डे, 2 डे या 7 डे तक आप वहाँ पर कोई भी मैसेज या हिस्ट्री डिलीट हो जाती थी ऑटोमेटिक अगर आपने कोई वहाँ पर सेट आउट करके रखा है। तो ये वाला जो फीचर है ये उसी से रिलेटेड है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने कोई मैसेज, किसी ने कोई मैसेज भेजा और कुछ टाइम बाद वो डिलीट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिसअपीयरिंग मैसेज, तो ये वाला जो फीचर अभी आने वाला, आगे जो भी लॉन्च होने वाला है या बोल सकते हैं बीटा वर्जन के लिए रोल आउट हो गया है, जो कि बहुत ही काम का है। मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि बताया आपको, बता रहा हूँ व्हाट्सअप के नए अपडेट के बारे में और कमाल के नए फीचर के बारे में, जिसका नाम है कीप इन चैट्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना है अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना है। फिलहाल ये बीटा यूजर के लिए है। अगर आप बीटा यूजर नहीं है तो हो सकता है आपको ये फीचर ना मिले, फिर भी आपको अपने व्हाट्सअप को अपडेट जरूर कर लेना है। अब यहाँ पर आ गए हैं, ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपनी किसी भी चैट पे। कीप इन चैट्स का यूज़ क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको बता होगा, ये मैं आपको ले जाऊँ। यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता था डिसअपीयरिंग मैसेज करके। डिसअपीयरिंग मैसेज में होता क्या था, 24 आवर्स, 7 डेज, 90 डेज बाद वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था। लाइक मीडिया या जो भी चीज़ कन्वर्सेशन हुई हुई हो उस बीच में ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें डिलीट हो जाती थी। तो उसको बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज ऐसे होते हैं जिसको हमें बाद में देखना हो, तो आप उसको कीप इन चैट्स में कर सकते हैं, जिसको इवन डिलीट होने के बाद भी आप देख पाएंगे। कैसे, जैसे कि मान लो मुझे इसको सेव करना है, मैंने यहाँ पर उसको क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर आपको एक सेव का निशान मिल रहा है डिलीट के बगल में, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देखेंगे उसका नाम है कीप, आपको उसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसा कि दोबारा बताऊँ, ये आप देखेंगे यहाँ पर उसको कीप में आपको मैसेज आपको मिलेगा, आपको उसको ऐसे क्लिक करके इसको कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करके उसको सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे वो यहाँ से हट गया है। आप देख रहे होंगे नीचे मैसेज पे भी आपको एक निशान बना हुआ होगा कीप वाला। ऐसे ही अगर बहुत सारी कुछ आपकी चैट्स हैं या कुछ भी हो उसमें, अगर आप उसको कीप करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, उसको वहाँ पर सेलेक्ट करके रखना है और उसको कीप पे कर देना है। तो लाइक मुझे उसको कीप करना है, मैंने यहाँ पर क्लिक करा और उसको भी मैंने यहाँ पर कीप पे क्लिक कर दिया। ये कीप वही मैसेज होंगे जो आपके यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेज में होंगे, उसके अलावा के मैसेज कीप नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सेव्ड है। वही मैसेज सेम होंगे जो इसमें आपने डिसअपीयरिंग मैसेज लगा के भेजे होंगे। जैसे कि मेरी ये वाली जो कन्वर्सेशन चल रही है इसमें ये लगा हुआ है। इसके पहले वाले मैसेज में अगर मैं जाऊँगा तो उसमें कीप का निशान नहीं मिलेगा, और डिसअपीयरिंग मैसेज वाला जहाँ ऑप्शन फीचर ऑन नहीं है, जहाँ ऑन है वहाँ पर आपको वो फीचर मिलेगा। मतलब कि जिस चैट्स में आपने अगर डिसअपीयरिंग मैसेज लगा के चैट पर मैसेज आया है तो उसी पर आप ये वाला फीचर यूज़ कर पाएंगे। जैसे मुझे इसको भी कीप करना है तो मैंने यहाँ क्लिक करा और मैंने उसको कीप कर लिया। अब कीप करने के दोस्तों आप देख रहे होंगे जैसा कि मैंने यहाँ वाला कीप हो गया। अब कीप करने के मैं यहाँ पर जाऊँगा वापस। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा कीप मैसेज करके। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कौन कौन से मैसेज आपने कीप करके रखे हैं। आप दिख जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉरवर्ड भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, अगर मान लो इसमें से कुछ मैसेज ऐसे हैं जिसमें डिसअपीयरिंग मैसेज वाला जो टाइम है वो खत्म हो चुका है और जैसे ही आप उसको अनकीप करेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगा। लाइक जैसे ये वाला है, अब मैंने उस पर क्लिक करा और मैंने अनकीप पे क्लिक करा। जैसे ही मैं अनकीप में क्लिक करूंगा तो वो आपको यहाँ पर क्या बता रहा है, दिस मैसेज विल बी डिसअपीयर फ्रॉम दिस चैट, दिस टाइम फॉर दिस मैसेज हैज बीन एक्सपायर और सो इट्स विल बी डिसअपीयर फ्रॉम द चैट। जैसे ही मैं उसको लेट इट डिसअपीयर करूंगा वो वहां से हट जाएगा। तो ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल ध्यान से कीप और अनकीप करना है। अगर गलती से आपने अनकीप कर दिया कुछ ऐसी जो ऐसी कन्वर्सेशन को जिसका टाइम एक्सपायर हो चुका है डिसअपीयरिंग मैसेज वाला, तो वो मैसेज दोबारा रिकवर नहीं होगा। तो उसको थोड़ा ध्यान से आपको यूज़ करना है दोस्तों। यही नया अपडेट था और यही नया फीचर था जो कि एड ऑन किया गया व्हाट्सअप के अंदर। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो हमें डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे। तो थैंक यू।